आइए थोड़ी देर के लिए हम मेडिटेशन के प्रोसेस में उतर चले, हम भीतर की दिशा की ओर बढ़ते चले, अपने अस्तित्व में एकमात्र अपनी सुरति में लौट चले। थोड़ी देर के लिए हम भीतर की ओर बढ़ते चले, अपनी थर्ड आई में, अपने शिव नेत्र में प्रतिष्ठित हो जाए। लगातार भीतर की दिशा में देखते चले जाना, बाहर की दोनों पलकें मूंद लेना, भीतर के नेत्र में, भीतर के स्रोत में, भीतर के एकमात्र शिव नेत्र में तुम प्रतिष्ठित हो जाना। जो देख रहा है बस उसी के अंतर्गत हो जाना। लगातार भीतर की दिशा को देखते रहना, मन माया के विस्तार को देखते रहना, माइंड से हटकर के माइंड की गतिविधियों को देखना, माइंड के विस्तार को देखते चले जाना। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए सीयर ऑफ इट। सिंपली वॉच, वॉच योर माइंड, वॉच योर थॉट्स, सिंपली लुक, केवल देखते रहना। लगातार सहज अवस्था में सरल साधारण होकर के देखते रहना, भीतर की ओर जाके जाके रहना, ध्यान का ध्यान रखना, तनिक मात्र खंडित नहीं होने देना, अखंड बने रहना, केवल वही देखना जो हो रहा है, स्वतः हो रहा है, अपने आप हो रहा है। तुम केवल देखने वाली हो, दृष्टा हो, साक्षी हो, अकर्ता हो। तुम अपने स्वभाव में रहना, मन अपनी आदतें नहीं छोड़ेगा, तुम अपना स्वभाव मत छोड़ना। अपनी स्वाभाविक स्थिति में, अपनी ट्रू नेचर में थोड़ी देर रहना, लगातार जाके जाके भीतर की ओर, अंतस्थ ध्यान की महान प्रक्रिया में, इसी प्रोसेस में बढ़ते चले जाना। बढ़ना क्या है, केवल निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखते रहना, जो भी हो रहा है उसको देखते रहना, कभी किसी के साथ नहीं जाना। स्थिति कैसी भी हो, हालात कैसा भी हो, आप उसको जागे जागे देखते रहना। यू आर ए सीयर्स, सिंपली सी, सिंपली वॉच, सिंपली लुक। वट एवर हैपनिंग बिफोर यू इन साइड, यू सिंपली वॉच इट। अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, मन की दौड़ है, द्वंद्व है, डुअलिटीज है। आप हर स्थिति, हर हालात को देखते चले जाना। You are a seer, you are not a mind. केवल देखना, आप अपने स्वभाव में लौटना। आज तक मन की आदतों में रहते रहे हो, कभी अपने स्वभाव में भी जीना, अपने स्वभाव में भी रहना, अपने स्वभाव की नियति में तुम थोड़ा ठहर जाना। मन माया के विस्तार को जागे जागे देखोगे, हैरान रह जाओगे। बहुत सारा अवसर यूजलेस थॉट्स में गुजरता है, अननेसेसरी थॉट्स में। मन माया की गति को देखते रहना, इसकी गतिविधियों को अच्छी तरह से भांप लेना, थोड़ा सा डिस्टेंस रखना माइंड से, धन्य धन्य हो जाओगी। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए मास्टर ऑफ इट, यू आर ए सीयर ऑफ इट। बिकम मोर एंड मोर अवेकेंड। लगातार भीतर की गति में पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः लौटना अपने स्वभाव में। तुम देखने वाले हो, कहीं दखल नहीं देना मन के अंदाज में, मन माया के विस्तार में कभी दखल नहीं देना। तुम केवल देखते रहना, वॉच करना, वाचफुल, न्यूट्रल एनर्जी होकर के, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखना। आप बहुत सहज अवस्था में रहना, सरल साधारण होकर के ही तुम वही देखना जो हो रहा है। आपने अपनी ओर से कछु कल्पना नहीं करना,
कुछ इमेजिन नहीं करना, वही देखना जो हो रहा है, वही देखना जो मन माया के विस्तार में खूब जगमगा रहा है, जो जो हो रहा है, शुभ अशुभ अच्छा बुरा सब देखते रहना, हर घटना के प्रहरी हो जाना, हर घटना के दर्शक हो जाना, हर एक स्थिति हर हालात के दर्शक हो जाना, थोड़ी देर के लिए हट जाना, हार दिखता पिरोना, पल पल जागे रहना, मन के साथ नहीं जाना, मन से हटकर के मन की गति को देखना, मन की गति को जिसने देखा वो हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हुआ, कितनी यूजलेस थॉट्स लिए फिरता है, अननेसेसरी थॉट्स विच ब्रिंग्स टेंशन स्ट्रेस डिप्रेशन माइग्रेन एंग्जाइटी एटसेट्रा। आप स्वयं अनुभव करना कि माइंड का पिक्चर लघु होकर के हमने नेगेटिविटी को बहुत पिरोया, बहुत नेगेटिव रहे, कभी पॉजिटिविटी का पदार्पण ना हुआ। आप स्वयं देख लेना, अभ्यास से अनुभव की ओर, ये पावन पवित्र यात्रा, व्हाट ए वंडरफुल इनर जर्नी, फुल ऑफ ब्लिस एंड बैलेंस। माइंड बहुत एक्टिव हो जाता है मेडिटेशन में, ये पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों पर झूलता है, पास्ट जो गुजर गया उसकी घटनाएं उसकी यादें पिरोता है, क्या अच्छी क्या बुरी, क्या खट्टी क्या मीठी, क्या गलत क्या ठीक, सब पिरोता है, और आने वाले सोसर की कल की याद में डूबा रहता है। पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों पर झूलने वाले माइंड को अच्छी तरह भांप लेना, इससे हट करके इसको देखना, यू शुड बी इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट मोमेंट्स में आप जागे जागे मन माया की गति को देखते रहना, ये देखना बहुत गहरा है, ये देखना बहुत सरल है, ये देखना बहुत सहज है, बहुत गहरा है। अपनी डेप्थ को पिरोना, लगातार सहज भाव में जागे जागे वही देखना जो हो रहा है, आपने अपनी ओर से कछु कल्पना नहीं करना, कछु इमेजिन नहीं करना, जो हो रहा है उसको देखते रहना, लगातार देखते रहना, कहीं इंडल्ज नहीं होना, कहीं लॉस्ट नहीं होना। हो जाते हैं पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः लौटना अपने स्वभाव में, तो पुनः पुनः देखने की सुरती में, देखने की याद में रहना, भले अंधेरा है अंधकार है उसी को देखते रहना, धीरे धीरे स्वयं प्रकाश पुंज उतरता है,
मेडिटेशन मेक्स यू मास्टर, इट्स द बेस्ट मेडिसिन। चैन तो मसीह है, चैन तो मसीह, करार तुम सी है, चैन तो मसीह, करार तुम सी है, जिंदगी की बहार तुम सी है, जिंदगी की बहार तुम सी है, चैन तुम सी ओ बाबा, ओ प्रीतम, ओ साहिबा, ओ मेरे मालिक, मेरे प्रीतम, मेरे प्रभु, ओ मेरे दिलदार बाबा। क्या गजब कहता है नरेन, नरेन अपने बाबा के प्रति कितना गदगद होके जीता, कृतकृत्य होकर के धन्य धन्य करता है नरेन, जो स्वामी विवेकानंद हो गए। प्यास लगन उत्कंठा ने क्या गजब उठाया कि वो बाबा का सदा के लिए हो गया, सदा सदा के लिए उसका हो गया। नरेन क्या गजब का है, अद्भुत अद्वितीय हीरा है अपने बाबा का। लीडिंग एडवोकेट का पुत्र है, दो भाई तीन बहनें हैं जिसकी, बाप सदा के लिए बेड रिटर्न हो गया। घर में बहुत दुविधा है, मिजरेबल स्टेट है, किंतु उसके ऊपर कोई असर नहीं है। उसकी लगन प्यास उत्कंठा की दीपिका जो जली, वो उसी में सदा सदा के लिए जगमगा उठा। क्या गजब करता है, और इसी तरह से क्या गजब कहती है मीरा महारानी अपने गुरु रविदास के द्वार पहुंच करके, क्या गजब पुकार उठाती है। क्या गजब गाया नचिकेता ने, बारह वर्ष के छोरे ने, राजकुमार ने, अपने गुरु यमाचार्य के द्वार पर पहुंच करके, कि चैन तेरे द्वार पर मिला, करार तेरे दर पे मिला, बाहरों की दुनिया तेरे दर पे मिली बाबा, इस दुनिया में कहीं नहीं मिला जो तुझसे मिला। यही राजा भर्तृहरि ने अपने गुरु गोरक्षनाथ के द्वार पर अलख जगाया है, यही गाया है, चैन तुमसे, करार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है, चैन तुमसे, करार 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 तुमसे है,
बाहर तुम से है, जिंदगी की बाहर तुम से है, तुम से करार तुम से है, चैन तुम से करार तुम से है, यमाचार्य बाबा मैं तेरे दर पे आया हूं। 12 वर्ष का बालक नचिकेता कहता है, कितनी लगन प्यास उत्कंठा का दीवाना। 3 दिन लगातार यमाचार्य के द्वार पर भूखा प्यासा बैठा रहा, तनिक मात्र भी अनाज कुछ हुआ नहीं जब तक वो लौटा नहीं। यमाचार्य अपने तमाम कार्यकलाप से लौटा नहीं, एकमात्र उनका बाबा, उनका मुर्शिद, उनका साहिबा आया कैसे उसके द्वार पर, कैसे आया, बहुत सुंदर कहानी है। उसके पिता राजा ने यज्ञ रचा, जब यज्ञ संपन्न हुआ तो उसने बूढ़ी गौ दिया दान में। यज्ञ करने वालों को और अन्य अनेकों को उसने बुढ़ी गौएं दान किया, ये देख ना पाया ये दीवाना प्यासा ऋण नचिकेता, इस बात को देख ना पाया। 12 वर्ष का बालक अपने पिताश्री के पास जाकर कहता, पिताश्री आपने सबको बुढ़ी गौएं दिया, मुझ जवां को कैसे दोगे, किसको दोगे, मुझ जवां पुत्र को कहां दोगे, किसको दोगे, कैसे दोगे। ब
बहुत क्रोधित होकर के बाप राजा ने कहा, तुझे मैं यमाचारी को दूंगा, मैं तुझे यम के हवाले करूंगा, मैं तुझे मौत के हवाले करूंगा। बहुत क्रोधित होकर के जब ऐसा कहा तो नचिकेता चल पड़े यमाचारी के द्वार पे, उससे सहन ना हुआ। यमाचारी के द्वार पे पहुंच करके उस बालक ने अलख जगा दिया, जीवन ज्योत जगाने की उस बालक ने प्यास उठा दिया। गुरु यमाचारी के द्वार पर पहुंच करके उसने एक ही बात कही, गुरुदेव क्या करूं ले के सारी दुनिया को, क्या करूं ले के सारी दुनिया को, मेरे दिल को करार तो से है, मेरे दिल को करार तुमसे है, मेरे दिल को करार तुमसे है, मेरे दिल को करार तुमसे है। यमाचार्य ने जब आकर के कहा कि तू तीन दिन से भूखा प्यासा है, मेरे लिए छाती से लगा करके बालक को प्यार दिया, प्रेम दिया, उसकी दर्द दीवानगी को टच किया, उसको कुछ खाने को दिया, तत्पश्चात बैठ करके गुरु यमाचार्य बात करता, क्या चाहिए तुझे, तू तो स्वयं राजा का पुत्र है, राजपुत्र है, तुझे और क्या चाहिए। मुझे जो चाहिए वो तेरे पास है गुरु, किसी के पास नहीं। मुझे नहीं चाहिए जो बाप के पास है, मुझे वो चाहिए जो तेरे पास है। तीनों प्रकार की संपदा गुरु यमाचार्य ने प्रदान की उसको, किंतु किसी को भी उसने स्वीकार नहीं किया, कहीं से स्वीकार नहीं किया। मेटीरियल वर्ल्ड सारा का सारा दे दूंगा, मैं डिवाइन वर्ल्ड सारा का सारा दे दूंगा, मैं तुझको दुनिया का बादशाह सम्राट बना दूंगा, तो जो भी चाहेगा मैं तुझको प्रदान करूंगा, परंतु तू इस दिशा को छोड़ दे, ये लगन प्यास खोज तलाश की दुनिया छोड़ दे, नहीं, यही है मेरी आत्मा, यही है मेरा दर्द, यही है मेरी दीवानगी, जिसके लिए तेरे द्वार पर आया हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल यमाचार्य जी आपकी कृपा करुणा भरा वरद हस्त चाहिए, तुम्हारी दी हुई प्यास लगन उत्कंठा ने वो दीप जलाया है जो कभी बुझने वाला नहीं, कभी शांत होने वाला नहीं, जब तक ज्योतिर्मय ना हो जाओ, मैं स्वयं प्रकाशित ना हो जाऊं, वो तेरी कृपा से होगा। मैं तेरे से लेने आया हूं, तेरी छाती से लग करके, तेरी चरणों से लग करके, तेरी करुणामयी धरा पर उतर के आया हूं। अब मुझे निराश ना कर, मुझे दुनिया की कोई भी दिशा नहीं चाहिए, मुझे केवल भीतर की दिशा चाहिए, अंतस का खजाना चाहिए, अंतस की एकमात्र धरा पर मुझे लौटना है, यही है मृत्यु, आचार्य मृत्यु, जो अब आचार्य गुरु प्रदान करता है वो ये है, जीती जागती जिंदगी। मृत्यु है माइंड की, मृत्यु है तमाम अंधेरों की, अंधकार की मृत्यु है, अस्मिता की, अंधेरों की, अहंकार अभिमान की। एकमात्र जीवन है जहां छलकता, जन्म के पश्चात जीवन की खोज, जीवन की तलाश, क्या गजब दिशा संभाली नचिकेता ने, सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुर्बान, कुछ नहीं चाहिए मुझको, इकलौती संतान है बाप की, सारे के सारे साम्राज्य का मालिक है, नहीं चाहिए मुझे, केवल आत्म दर्शन चाहिए, मुझे केवल प्रकाशमान स्थिति चाहिए, मुझे केवल अपना होना, अपनी एग्जिस्टेंस चाहिए, मुझे केवल तेरा दीदार चाहिए। क्या करूं ले के सारी दुनिया को, क्या करूं ले के सारी दुनिया को, मेरे दिल को
से है मेरे दिल को करार तुम से है मेरे दिल को करार तुम से है मेरे दिल को करार तुम से है चैन तुम से लाज रखना मेरी इस प्यास की लाज रखना मेरी इस प्यास की मुझको अपना बनाई लेना प्रभु मुझको अपना करार तुम से है चैन तुम से करार तुम से है जिंदगी की बहार तुम से है जिंदगी की बहार